अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरसल। इन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट वी शैल डिस्कस आवर फर्स्ट हीरो फर्स्ट ईयर एट हारो। सो जैसे रूटीन है हम इसको हाफ ही डिस्कस करेंगे ताकि हम इसके हाफ आंसर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकें। बुक्स मैं उम्मीद करूंगा आपके सामने ओपन होगी, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ और आप मुझे सुनिएगा जी। फर्स्ट ईयर एट हारो सर मिस्टर चर्चल ने लिखा है इसको। वो कहते हैं हारो में उसका उनका पहला साल कैसा था, उनका एडमिशन कैसे हुआ इतनी बड़ी इतनी मशहूर जगह पर, ठीक है, और उसमें उन्होंने फिर कैसे पढ़ाई की वो सारा हमें बताएंगे। कहते हैं आई हैड स्कार्सली पास माय 12th बर्थडे, बमुश्किल ही मैंने अपनी 12वीं सालगिरह गुजारी थी। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ द इनहॉस्पिटेबल रीजंस ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तहानात का कह लो कि जालमाना जो रीजन था इलाका था उसमें मैं दाखिल हो गया। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर, जिसमें अगले 7 साल आई वॉज डिस्टाइन टू जर्नी, जिसमें मुझे हर हाल में गुजरना ही था। दीज एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये एग्जामिनेशन मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होते थे। द सब्जेक्ट्स वो मजामीन विच वर डेयरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर के लिए बड़े पसंदीदा थे, वर आलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, तकरीबन वही थे आई फैंसाइज प्लीज, जिन्हें मैं सबसे कम पसंद करता था। जो चीज़ एग्जामिनर को पसंद होती थी वो मुझे पसंद नहीं होती थी। आई वुड हैव लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री पोइट्री एंड राइटिंग एसेज, मैं चाहता था कि वो मुझे हिस्ट्री में जज करें, पोइट्री में या राइटिंग एसेज में जज करें। जबकि द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब एग्जामिनर्स वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, तो उनका झुकाव लातीनी जुबान और मैथमेटिक्स की जानी था। एंड देयर विल प्रिवेल, और मर्जी फिर उनकी चलती थी। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा द क्वेश्चन सवालात विच दे आस्क ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट, जो वो इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में पूछते लैटिन और मैथमेटिक्स के बारे में, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, वही हुआ करते टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, के जिनका मैं सेटिस्फैक्ट्री सलीबक जवाब देने के काबिल नहीं होता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, मैं तो बस यही चाहता था कि मुझसे वो पूछा जाए जो मुझे पता है। दे ऑलवेज ट्राइड टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो, और वो हमेशा वो पूछने की कोशिश करते जो मुझे नहीं पता होता। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, जब मैं जांचते पूछते मेरी ख्वाहिश होती कि मैं अपना नॉलेज डिस्प्ले करूं, दे सॉट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, तो वो मेरी इग्नोरेंस को सामने लाना चाहते, मेरी लाइल्मी को सामने लाना चाहते। कहता दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इस तरह के जो ट्रीटमेंट था तरीकाकार था, हैड ओनली वन रिजल्ट, उसका एक ही नतीजा निकला, क्या, आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, मैं इम्तहानात में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हारो, ये बात जो मैंने ऊपर की कि एग्जामिनर वो सवाल पूछते थे जो मुझे नहीं आते होते, ये बात कहाँ सही साबित हुई, हारो में एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हारो, वहाँ मेरे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो मैंने पेपर दिया उसमें ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। दी हेडमास्टर मिस्टर वेल्डम, जो मिस्टर वेल्डम जो हेडमास्टर थे, हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज, उन्होंने मेरे लातिनी प्रोज का बड़ा ब्रॉड माइंडेडली एक जायजा लिया। He showed discernment in judging my general ability. उन्होंने मेरी general ability को judge करने में broad-minded वुस्सत नजरी का मुजाहरा किया। This was a more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. ये बात इसलिए भी शानदार है कि मैं लातिनी के पेपर का एक सवाल का जवाब ही देने के काबिल नहीं था। I wrote my name at the top of the page. मैंने सफ़े के सबसे ऊपर क्या लिखा, अपना नाम लिखा। I wrote down the number of the question 1. मैंने वहां पर क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट थस, तो मैंने उस नंबर 1 के साथ क्या कर दिया, एक ब्रैकेट प्लेस कर दी। बट हियर देयर आफ्टर, लेकिन इसके बाद आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड, और मैं इससे मुंसलिक कोई भी चीज सोच नहीं सका। विद इट दैट वाज आइदर रेलिवेंट और ट्रू, जो उसके रेलिवेंट होती या सही होती। इंसिडेंटली, हादसाती तौर पर, देर अराइव फ्रॉम नो वेयर, पता नहीं कहाँ से, इन पर्टिकुलर अ ब्लॉड एंड सेवरल स्मजेस, एक धब्बा और बहुत सारे निशानात वहाँ आ गए। आई गेज फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल, मैं इस उदास मंजर को पूरे 2 घंटे तक देखता रहा। एंड देन, और फिर मर्सीफुल अशर्स, और जो
मर्सीफुल, बड़े रहमदिल जो एग्जामिनर से कलेक्टेड बाय पीस ऑफ फूल्स कैप, उन्होंने मेरे पेपर का सफा उठाया विद ऑल द अदर, बाकी लोगों के साथ, एंड कैरिड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल. और से वो कहाँ ले गए, हेडमास्टर के टेबल पर. इट वाज फ्रॉम दिस स्लैंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप, ये वो स्कॉलरशिप के चंद मनाजिर थे, दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, जो उन्होंने नतीजा निकाला, दैट आई वाज वर्थी टू पास इनटू हारो, कि मैं हारो में एडमिशन ले सकता हूँ. इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, ये बात उनके क्रेडिट पर है, इट शोड दैट ही वाज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग, ये बात इस चीज़ को जाहिर करती हैं कि वो सरफेस के नीचे मौजूद चीज़ों को देखने के काबिल थे. अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, ऐसे शख्स नहीं थे जो सिर्फ कागजी मुजाहरे को ही देखते और उसी पर डिपेंड करते, वो बीनीथ द सरफेस देखने वाले शख्स थे. आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट हमेशा ही रही है. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हमने हाफ इसको डिस्कस किया है. सो वही सेम हमने इसमें थ्री आंसर क्वेश्चन जो है, सॉरी फोर आंसर क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं और उनको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, जुबानी लिखना है और मुझे सबमिट भी करवाना है. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.